In the previous class, we have started with spherical mirrors. और spherical mirror में हमने concave mirror को explore किया था. Concave mirror करने से पहले हमने सारे ray diagrams देखे थे, if you remember. The ray diagrams और rules for drawing ray diagrams. So concave mirror में जो rules थे तीन, that is If the ray of light is incident parallel to the principal axis, after reflection passes through the focus. If it passes through the focus and then incident, then after reflection becomes parallel, the second one. And if it passes through center of curvature, it reflects back along the same path. ठीक है, आज हम लोग convex mirror करने वाले हैं, मतलब ये right side वाले. और convex mirror में अगर रे ऑफ लाइट को हम लोग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट करते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट डाइवर्जेस एंड इट सीम्स दैट इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस बिहाइंड द मिरर. ठीक है, इट अपियर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस बिहाइंड द मिरर. अगर रे ऑफ लाइट टूवर्ड्स द फोकस जा रही है सो इट डज नॉट रीच द फोकस बिहाइंड द मिरर. But after reflection becomes parallel to the principal axis as in the second one. And the third one, if the ray of light is going towards the center of curvature, then it gets reflected back along the same path as the third one. ठीक है, does not reach the center of curvature. So, as you can see, the ray of light is not reaching a certain point. It is just getting reflected before it reaches that point. So, this shows that convex mirror might always produce virtual image and that is the truth. Concave mirror में जो image थी उसकी characteristic देखोगे तो ये 6 की 6 positions के लिए, for all these 6 positions the characteristics of image were of different variety. पहले position में जहाँ पे object फोकस और पोल के बीच में था तो इमेज कहाँ पे बन रही थी? इमेज वॉज गेटिंग फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर. द इमेज वॉज वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड. ठीक है, जैसे ही मैंने थोड़ा दूर किया ऑब्जेक्ट को, फोकस पे लाया, तो इमेज इन्फिनिटी पे बन गई, रियल इन्वर्टेड, इन्फिनिटी एंड हाईली मैग्नीफाइड. मतलब वर्चुअल और इरेक्ट से रियल और इन्वर्टेड बन गई एक ही मूवमेंट में. अब इमेज रियल और इन्वर्टेड ही रहेगी लेकिन इन्फिनिटी से अब थोड़ा थोड़ा करीब आने लगी. इफ़ यू कैन सी, यहाँ पे बियॉन्ड सी थी थर्ड केस में, फोर्थ केस में सी पे आ गई, फिफ्थ केस में सी और एफ के बीच में आ गई और सिक्स्थ केस पे एफ पे आ गई इमेज जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था. ठीक है, सो दैट इज़ द जर्नी ऑफ द इमेज. एफ पे मैंने दो पोजिशंस, दो रे डायग्राम्स बताए थे तुमको, एक तो एक्सटेंडेड इमेज का और दूसरा पॉइंट साइज इमेज का, एंड दैट डिपेंड्स ऑन हाउ द रेज ऑफ लाइट आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी. ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कॉन्वेक्स मिरर्स एंड द गुड न्यूज इज कि इसमें सिर्फ दो रे डायग्राम्स हैं, 6 पोजिशंस नहीं है. ठीक है, सिर्फ दो रे डायग्राम्स हैं. इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर्स. प्लीज नोट करोगे तुम लोग और ये जो भी रे डायग्राम्स बना रहा हूं वो भी तुम बनाओगे. यहां पे सिर्फ दो पोजीशन है, एक ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल.
ऑब्जेक्ट या तो इन्फिनिटी पे है, और ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो सकता है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, तब कैसे रे डायग्राम्स बनते हैं ये हमें देखना है। ठीक है, सो यहाँ पे पोल है इसका P, कॉन्वेक्स मिरर है। अब रेज ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रही है। अब इन्फिनिटी से मैंने तुम्हें बताया था रेज ऑफ लाइट दो तरीके से आ सकती है। एक तो आ सकती है ऐसे पैरेलल टू ईच अदर, एंड द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू ईच अदर एंड द प्रिंसिपल एक्सिस। अब जब भी रेज ऑफ लाइट आर इंसिडेंट पैरेलल टू ईच अदर एंड टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दे डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन, बट दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर विच इज द फोकस। मतलब ऐसा लग रहा है, ऐसा लगेगा कि रेज ऑफ लाइट फोकस से निकल रही है। दे विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस, दे विल डाइवर्ज एंड अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। क्या वो एक्चुअली फोकस पे मीट कर रही है बिहाइंड द मिरर? बिल्कुल नहीं, दे जस्ट अपीयरिंग टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। ये केस जब होता है व्हेन द रेज ऑफ लाइट आर अपीयरिंग टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस, तब तुम बोल सकते हो कि इमेज फोकस पे बन रही है। ठीक है, सो इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ, इमेज फोकस पे बन रही है। तो कैसी इमेज बन रही है फोकस पे, ये भी एक देखने वाली बात है। यहां पे जो इमेज है वो वर्चुअल है। क्यों वर्चुअल है? बिकॉज द रेज ऑफ लाइट आर नॉट एक्चुअली मीटिंग एट फोकस, द रेज ऑफ लाइट आर एक्चुअली डाइवर्जिंग, बट जब हम लोग उसको पीछे प्रोड्यूस करते हैं दे आर अपियरिंग टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। ठीक है, सो यहाँ पे वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती ही है, ये मैंने पहले ही बताया था। एंड इट इज पॉइंट साइज्ड, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, इट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड पॉइंट साइज्ड। ये जो फोकस है ये बिहाइंड द मिरर है, वर्चुअल फोकस है, इसके ऊपर इमेज बनती है। कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है। बट दिस इज जस्ट वन केस ऑफ इन्फिनिटी, देर इज वन मोर केस ऑफ इन्फिनिटी जो मैंने पहले भी बताया था, लास्ट टाइम भी बताया था, मैं वो भी बनाऊंगा तुम लोग के लिए। सो रेज ऑफ लाइट आर कमिंग लाइक दिस, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं। दोनों रेज पैरेलल आ रही है एक दूसरे से, बट दे आर नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इस केस में क्या होता है? देखो, वेयर इज दिस रे ऑफ लाइट गोइंग, पहले तो ये पता लगाते।
सपोज दिस रे ऑफ लाइट इज गोइंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर. मैंने तुम्हें बताया था, व्हेन द रे ऑफ लाइट इज गोइंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ. राइट, ये था हमारा थर्ड रूल, थर्ड या फोर्थ रूल था शायद. ठीक है, और ये जो थर्ड रूल था ये, और फोर्थ रूल वाला हो रहा है ये सेकेंड रे के साथ. व्हेन इट इज इंसिडेंट एट द पोल, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड एट द पोल इन सच अ वे दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेड बाय द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे विद द प्रिंसिपल एक्सिस मेक्स द सेम एंगल. दैट मीन्स द प्रिंसिपल एक्सिस एक्ट्स एज अ नॉर्मल इन दिस केस. मेरा एंगल सर्टनली डिफरेंट दिख रहा है यहाँ पे. आई विल रीड्रॉ इट. तुम्हें रफ में भी तुम बनाते हो, तुम्हें ध्यान रखना है कि ये जो एंगल है वो सेम दिखे. ठीक है, एंगल सेम दिखना जरूरी है. स्केल से रफ से भी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एंगल सेम दिखना चाहिए. अब देखो ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे है जो अलोंग द सेम पाथ चली गई, ये सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे है. ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे से दूर जा रही है, दे आर गेटिंग डाइवर्ट. तो ये कहीं मिलने नहीं वाली है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर दे आर नेवर गोइंग टू इंटरसेक्ट. सो व्हाट विल हैपन इज दे आर गोइंग टू मीट बिहाइंड द मिरर. नाउ सी, बिहाइंड द मिरर मैंने इसकी पाथ ऑलरेडी ट्रेस करके रख दी है. ठीक है, बिकॉज इट वॉज गोइंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर. वॉट अबाउट दिस सेकेंड वाले की पाथ, सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे की पाथ, इसकी भी पाथ ट्रेस करते हैं. तो इसकी पाथ जब ट्रेस करेंगे, देखा क्या हुआ, दे इंटरसेक्टेड ओवर हियर, सो दे अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट. और यहां पे बनेगी तुम्हारी वर्चुअल इमेज, और ये पॉइंट होगा तुम्हारा फोकस. ठीक है, सो यहां पे तुम्हारी वर्चुअल इमेज बन रही है. ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं पिक्चर में, ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे है, लेकिन इमेज फोकस पे बन रही है. सो वेन एवर द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी द इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस. इसमें भी मैंने थोड़ा चीटिंग किया, एफ बाद में मार्क किया, बिकॉज देर इज नो पॉइंट, हम लोग मार्क कर सकते हैं बाद में, वैसे भी मेजरमेंट हम कर नहीं रहे. ठीक है, सो द इमेज इज, इमेज कैरेक्टरिस्टिक लिख रहा हूँ, वर्चुअल इरेक्ट हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है इन्फिनिटी पे, उसकी एक बहुत छोटी इमेज बन रही है. एंड इट इज फॉर्म्ड एट एफ. इस केस में सिर्फ डिफरेंस ये है कि ऑब्जेक्ट, सॉरी, जो इमेज है वो पहले केस में पॉइंट साइज थी, यहाँ पे एक्सटेंडेड इमेज है तो उसको हम लोग हाईली डिमिनिश्ड बोलेंगे, पॉइंट साइज से थोड़ी बड़ी. राइट, सो दीज आर द टू केसेस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. मैंने तुम्हें बताया था टोटली दो रे डायग्राम है, लेकिन इन्फिनिटी वाले केस के दो अपने खुद के रे डायग्राम्स हैं, दो अलग अलग केसेस हैं. अब लास्ट रे डायग्राम पे आते हैं, वी आर फिनिशिंग इट. हमको ज़्यादा टाइम इसलिए लग गया लास्ट क्लास में बिकॉज वी वर स्ट्रगलिंग विथ ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. सारी डेफिनेशंस हमने की, फिर उसके रूल्स ऑफ रे डायग्राम, फिर रे डायग्राम ड्रॉ करने की टेक्निक्स जो हम ऑलरेडी जानते हैं, तो वी आर नॉट वेस्टिंग एनी टाइम. सो टुडे इट विल बी क्विक एंड विल फिनिश द टॉपिक ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल टुगेदर टुडे ओनली. Yes. Yeah, yeah, we'll finish that also. I know mirror formula. Not a big deal. Okay, sir. Thanks. We'll finish this with everything. सही बनाना, हाँ सही, ये पोल.
ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, कहीं भी, वेर एवर यू कीप इट, डजेंट मैटर, एक ही टाइप की इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट इज एनी वेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया यहाँ पर, ये लोकेशन क्या है ये बाद में डिसाइड करूँगा मैं। ए बी, एक रे जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जस्ट मोमेंट, ओके, सो ऑब्जेक्ट इज एनी वेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। रे ऑफ लाइट एक आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक इन सच अ वे दैट इट अपियर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। इट शुड अपियर टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। ठीक है, तो मैं इसको सपोज फोकस इसका यहाँ पे बनाता हूँ और मैं इसके साथ एक डॉटेड लाइन ज्वाइन कर देता हूँ, मतलब ऐसा लगेगा कि रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से निकल रही है, मतलब ऐसा लगेगा कि रिफ्लेक्टेड रे फोकस से निकल रही है, इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी फर्स्ट रे। द सेकेंड रे यू कैन ड्रॉ इन सच अ वे दैट इट इज गोइंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वाली भी तुम बना सकते हो। तो फोकस यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे बना दो। सो एक रे जाएगी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ लेट मी मेक विद द हेल्प ऑफ स्केल बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग लाइन एंड आई डोंट वांट टू मेक एनी मिस्टेक्स। ओके, नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस, वॉट इज हैपनिंग, ये रे ऑफ लाइट जा रही है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बट विल इट पेनीट्रेट द मिरर? नो, यहाँ पे सिर्फ डॉटेड लाइन ही बनानी है तुम्हें टूवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दिस विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ एज अ रिफ्लेक्टेड रे, दिस विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ। तो यहाँ पे तुम्हें इसको एक्सटेंड करके थोड़ा सा रिफ्लेक्टेड रे जैसा इफेक्ट देना है। राइट, सो इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ बिकॉज इट इज गोइंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सो ये रिफ्लेक्टेड रे नंबर वन, रिफ्लेक्टेड रे नंबर टू, दोनों डाइवर्ज हो रही है, दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ये कहीं पे भी नहीं मिलेंगे यहाँ पे। सो दे विल मीट, सॉरी, दे विल अपियर टू मीट बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर कहाँ पे मीट कर रहे हैं? सी, दे आर मीटिंग ओवर हियर।
सो यहां पे एक छोटी सी इमेज बनेगी, ए डैश बी डैश, इफ यू कैन सी ए डैश बी डैश, राइट। सो एक बात ये है यहाँ पे ध्यान रखने वाली, एक मिनट यहाँ पे पोल बना देता हूँ मैं, आई जस्ट मेक द पोल, सॉरी फोकस ओवर हियर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ओवर हियर। सो मैंने ऑब्जेक्ट रखा था बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, और इमेज मुझे मिली बिटवीन पी एंड एफ बिहाइंड द मिरर, और हमेशा यही इमेज मिलती है। तुम ऑब्जेक्ट की पोजिशन चाहे जहाँ भी रख लो, यू विल ऑलवेज गेट द सेम इमेज। तो इमेज कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई, इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश, बिटवीन पी एंड एफ एंड फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर। Always for all the positions between infinity and pole, object को कहीं भी रखो तुम्हें यही image बनेगी। इसलिए convex mirror easy है क्योंकि कम है ray diagrams, तो इतनी सारी image characteristics याद रखने की ज़रूरत नहीं है जो हमने concave में किया था। Yes निहारिका, यस यस यू कैन, पोल वाला ना, सो बिकॉज यस सर, सो बिकॉज दिस इज बिकमिंग अ बिट कंजेस्टेड, नो इश्यूज, यू कैन यूज द फोर्थ वन और एनी अदर वन, एनी टू यू कैन यूज एज पर योर, व्हेन यू स्टार्ट ड्राइंग इट ना यू सिलेक्ट, ठीक है, तुम सिलेक्ट करो और तुम यूज कर सकते हो। राइट, सो दीज वर ऑल द रे डायग्राम्स। अब एक छोटा सा थियोरेटिकल पार्ट आता है जिसके ऊपर हमेशा बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड दैट इज अबाउट यूजेस। ओके, यूजेस आ गया शायद, या यूजेस, ये तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है, एंड दोनों के अलग अलग यूजेस हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूँ एक एक करके, कॉनकेव मिरर्स एंड पैराबोलिक मिरर्स बोथ आर सिमिलर, दे आर यूज टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू जनरेट हाई टेम्परेचर इन सोलार फर्नेसेस, सोलार फर्नेसेस में यूज होता है जहां पे सन की लाइट को एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करके हाई टेम्परेचर अचीव करते हैं, एंड देन दैट हीट इज यूज फॉर हीटिंग और बर्निंग एनी पर्टिकुलर थिंग। शेविंग मिरर्स या मेकअप मिरर्स, मुझे लगता है कृष्णा ने बोला ना लास्ट टाइम, कृष्णा आई रिमेम्बर, और मैंने तुम्हें बोला भी था उसका फोटो भेजो, भेजो ना, कभी भी भेजो, नो प्रॉब्लम, लेकिन भेजो। शेविंग मिरर या मेकअप मिरर, ये किसी के घर पे होगा, इट्स अ स्मॉल राउंड शेप्ड मिरर विच हैज टू साइड्स, एक साइड में यू गेट हाईली, नॉट हाईली बट या क्वाइट मैग्निफाइड इमेज, मैग्निफाइड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ योर सेल्फ, दैट मीन्स दैट बिहेव्स एज अ कॉनकेव मिरर To which your face should be near, उसके सामने तुम्हारा फेस नज़दीक होना चाहिए, मतलब तुम्हारा फेस उस मिरर के पोल और फोकस के बीच में जब होगा तो तुम्हारे फेस की वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली मैग्निफाइड इमेज तुम्हें दिखेगी मिरर के अंदर। ये शेविंग के लिए यूज़ करते हैं, शेविंग के लिए इसलिए बिकॉज जो भी हेयर है फेस पे वहाँ पे कहीं पे अगर, दिस इज़ वेरी ऑकवर्ड व्हाई आई एम डिस्कसिंग शेविंग विथ ऑल ऑफ यू, बिकॉज नन ऑफ अस हैज़ शेविंग एक्सपीरियंस, राइट, मेरे को भी
मेरे को भी नहीं है, तुमको भी नहीं, तो इट्स वेरी ऑकवर्ड. या बट हाँ, होता है तुम्हारे पेरेंट में डेफिनेटली, योर फादर मस्ट बी शेविंग, सो यू माइट ऑब्जर्व हिम. तो अगर तुम देखोगे तो कहीं पे शेविंग, मतलब कहीं पे शेविंग नहीं हुआ तो इट लुक्स वेरी बैड, यू अंडरस्टैंड? सो शेविंग शुड बी, आई डोंट अंडरस्टैंड द पॉइंट व्हाई पीपल शेव. दिस इज नेचुरल, बी नेचुरल, बी लाइक अ केव मैन. दैट्स वॉट यू, क्या अगर शेव विदाउट यूजिंग शेविंग होगा? ओ माई गॉड, दैट्स अ रिस्क. या बट सम पीपल दे डू यूज, सम पीपल दे डू यूज शेविंग मिरर, तो कहीं पे वो हेयर छूट ना जाए. अदरवाइज समबडी एल्स शुड डू फॉर यू, लाइक बार्बर. बट इफ यू आर डूइंग योर सेल्फ, देन यू शुड यूज शेविंग मिरर. यू शुड, ओके, दैट्स नॉट कंपल्सरी. सम पीपल आर प्रो एट इट, दे कैन डू इट विद देयर आईज क्लोज. ओके, नेक्स्ट इज मेकअप मिरर. आई एम श्योर नो बडी यूजेज मेकअप मिरर हियर, नॉट येट. आगे जाके तुम लोग यूज करने वाले हो शायद, लड़कियाँ, लड़के भी शायद कुछ करेंगे, मुझे नहीं पता, कर सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है. अच्छा, तो मेकअप मिरर्स में भी यू नीड टू सी योर फेस इन अ वेरी क्लोज्ड एंड लाइक मैग्निफाइड फॉर्म में तुम्हें देखना पड़ता है. बिकॉज व्हेन यू अप्लाई मेकअप ऑन योर फेस, ऑन योर आईज एंड ऑल, इट शुड बी डिस्टिंक्टिव. जस्ट इमेजिन, लाइक इफ इट इज़ नॉट डिस्टिंक्टिव एंड यू अप्लाई सम लिटिल मोर कलर हियर एंड देयर, हाउ यू लुक, राइट? सो दैट्स वाई मेकअप मिरर एंड शेविंग मिरर आर कॉन्केव मिरर्स. यू प्लेस योर फेस बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर एंड यू ऑब्टेन वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज ऑफ योर फेस. एंड दीज आर ऑल्सो यूज बाय डेंटिस्ट टू सी एन एनलार्ज्ड इमेज ऑफ टीथ. डेंटिस्ट के पास एक एक ऐसा छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है हैंडल वाला, जिसके एंड में एक मिरर होता है. ठीक है, आई विल जस्ट शो यू, आई थिंक आई हैव द पिक्चर, मीन्स गूगल के पास होगा ऑफ कोर्स. डेंटिस्ट नियर मी, आई डोंट वॉन्ट डेंटिस्ट, वाई यू आर गूगल प्लीज. डेंटिस्ट मीनिंग, आई नो वॉट डेंटिस्ट मीन्स. अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू ट्रीट डिसीजेस एंड अदर कंडीशन दैट अफेक्ट द टीथ गम्स, एस्पेशली द रिपेयर एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ एंड इंसर्शन ऑफ आर्टिफिशियल वन. क्यों बता रहा है यार? अब ये बेचेगा मुझे. अब मैंने गलती से सर्च कर लिया डेंटिस्ट मिरर, तो मेरे सारे मोबाइल, सारे डिवाइस पे डेंटिस्ट मिरर आएगा. ले लीजिए सर, ले लीजिए, 250 रुपया, 300 रुपया ले लीजिए. बिजनेस बना के रखा है यार, मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ. हैव यू, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस? कोई डेंटिस्ट के पास गया है? तो दिस इज अ कॉन्केव मिरर. वाओ, एंड हियर वी आर गेटिंग मोर इनपुट्स फ्रॉम कृष्णा. ही इज वाओ कृष्णा, ऐसा नहीं यार, अपना फेस का निकाल के दिखाओ उसमें. मैग्निफाइड इमेज ऑफ योर ओन फेस. हे, इज दैट PS4 का? नहीं सर, PS4 कैसे मिलेगा? तो क्या है, PS5 तो नहीं हो सकता? हाँ सर, PS5 स्टॉक में नहीं मिल रहा है कब से। अरे यार, मेरे को भी टेंशन चाहिए. में PS5 फिर भी ले सकते हैं। ओके, बट व्हाट इज दैट, दैट कंट्रोलर कौन सा है, कौन से एरा का है? इसी एरा का? मतलब कौन सा, PS3 का है क्या? नहीं सर, दूसरे कंपनी का है। अच्छा, दूसरे कंपनी का है. ओके, कूल. मिरर से ज़्यादा वो कंट्रोलर पे ध्यान चला गया हमारा, कोई बात नहीं, होता है ऐसा. तो शेविंग मिरर में और डेंटिस्ट के जो मिरर है, जो मैंने अभी बताया, उसमें यूज होता है कॉनकेव मिरर टू सी एनलार्ज्ड इमेज ऑफ योर फेस और ऑफ द टीथ. कॉनकेव मिरर आर यूज इन एज रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्चेज. टॉर्च के पीछे एक रिफ्लेक्टर होता है,
दैट इज इन द शेप ऑफ अ कॉनकेव मिरर. कार की हेडलाइट के पीछे कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है. ये इसलिए होता है बिकॉज कार की हेडलाइट का जो बल्ब होता है, ठीक है, कार की जो हेडलाइट है उसका जो बल्ब है दैट इज केप्ट एट द फोकस, और वो फोकस पे रखे गए बल्ब से आने वाली लाइट जब मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है देन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड यू कैन से इट गोज इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. मतलब वो एक बीम बनाती है जिससे सामने के ऑब्जेक्ट क्लियर दिखते हैं. सर्च लाइट, सर्च लाइट कहाँ पे होती है, जो शिप्स को सिग्नल देते हैं ना, वैसी सर्च लाइट होती है. उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइट टावर, क्या बोलते हैं उसको, लाइट हाउस लाइट हाउस, लाइट हाउस, यस, लाइट हाउस में होती है सर्च लाइट, ठीक है. सर्च लाइट या सिग्नलिंग के लिए जो लाइट होती है उसमें भी कॉनकेव मिरर यूज होता है. एंड इट इज ऑल्सो यूज बाई ENT डॉक्टर्स टू फोकस लाइट इन द ईयर और नोज. अब ये तुम्हें शायद तुमने देखा होगा इसका पिक्चर भी. इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, अरे इधर ही होना चाहिए, डॉक्टर हेड मिरर. हैव यू सीन दिस, डॉक्टर अपने सिर पे पहनते हैं. सर। सो इस क्या होता है मैं तुम बताता हूँ. ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है. व्हेन डॉक्टर्स और डेंटिस्ट दे वेयर ऑन देयर हेड जो बल्ब रहता है वहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट होता है, वहाँ से जो लाइट आती है वो उस मिरर पे रिफ्लेक्ट होके सीधा जहाँ पे डॉक्टर देखता है, ऑफ कोर्स वो तुम्हारे माउथ के अंदर या नोज़ या जहाँ पे इश्यू है वहाँ पे देख रहा है, तो वो सारी लाइट वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है और वहाँ पे उसको क्लियरली दिखता है बिकॉज ऑल ऑफ द लाइट इज़ यू नो लिटिंग अप दैट एरिया. सर यस प्लीज. सर तो वैसे वो लाइट ही क्यों नहीं पहनते सर पे? पूछना पड़ेगा यार, पूछना पड़ेगा उनसे यार. लाइट पहनेंगे सिर पे तो और भी इश्यू आ जाएगा ना, ऐसा वायर डालना पड़ेगा सिर के ऊपर, सर मे कभी बी शॉक बिकॉज वॉक द लग जाए. लाइट विल फोकस ऑन लाइक पर्टिकुलरली लाइक वेयर द डॉक्टर वांट्स टू सी। मेरे को तो और लगता है सर हेलोजन ही जो पहन सर लेना चाहिए सिर के ऊपर. नहीं आई डोंट नो, देर में ना माइट बी इश्यू ऑफ पावर, बैटरी देना पड़ेगा उसको. ये तो एक एक्स्ट्रा लाइट है, उसको कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है. वो बॉडी के ऊपर नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब शॉक नहीं लगेगा. प्लस सिर पे यार लाइट पहनना, गर्म लगेगा, सिर्फ गर्म हो जाएगा, दिमाग गर्म हो जाएगा. एक तो डॉक्टर है, टूथ वूथ निकाल रहा है, पता नहीं कुछ और कर देगा. इन लोग का दिमाग ठंडा रखना चाहिए, ठंडा रखने के लिए लाइट नहीं पहन सकते सिर पे. ओके सर। या सो आई एम गिविंग यू ऑल द रॉन्ग आंसर्स. चारुल ने एक मैसेज भेजा है, सर इफ वी गो फॉर आई चेक दे सी आर पावर इन अ मशीन इन विच द इमेज इज इरेक्ट डिमिनिश्ड, सो इज द मिरर यूज्ड इज कॉन्वेक्स. कौन से मशीन की बात करें चारुल? सर दैट वो पिक्चर वाला थिंग जिसमें कार्टून पिक्चर दिखती है सर। अच्छा वो जो मशीन के अंदर हम ऐसे फेस रखते हैं और फिर अंदर जो देखते हैं हाँ वो, सर वो जिसमें वो फोटो खींचते हैं आंख की। बट उसमें कोई मिरर नहीं होता, उसमें लेंस होता है अंदर. सर आई हैव सीन लाइक सम डॉक्टर सम आई डॉक्टर्स यूजिंग कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज या दैट इज इट सेम डायरेक्टली दे सर। पुट इट ओवर योर आई एंड दे टेल यू टू या रीड. And you can even see your eye like on the lens, like you can see your या image of the दैट eye. इज ड्यू टू पार्शियल रिफ्लेक्शन बट दैट्स नॉट अ मिरर, Yeah. दैट्स नॉट अ मिरर. ओके चारुल, मैं यार पूरी दुनिया के गूगल ढूंढ रहा हूँ, यहीं पे सारे पिक्चर दिए हुए. ओके सो दैट्स कॉनकेव, कॉन्वेक्स वाला भी देख लेते हैं फिर आते हैं मिरर फॉर्मूला. यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन स्ट्रीट लाइट्स बिकॉज दिस मिरर डाइवर्जेस द लाइट फॉलिंग ऑन इट.
देयर बाय इल्यूमिनेटिंग अ लार्जर एरिया. स्ट्रीट लाइट में कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है. ठीक है, स्ट्रीट लाइट के पीछे कॉन्वेक्स मिरर होता है. जैसे रे ऑफ लाइट कॉन्वेक्स मिरर पे जाती है वो डाइवर्ज हो जाती है. सो डाइवर्ज होके स्ट्रीट का एक लार्ज एरिया इल्यूमिनेट करती है. सो स्ट्रीट लाइट में कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है टू डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट. हेडलाइट में, टॉर्च में, सर्च लाइट में कॉनकेव यूज होता है, स्ट्रीट लाइट में कॉन्वेक्स. रिमेंबर दिस, क्योंकि हेडलाइट और सर्च लाइट और टॉर्च में हमें एक जगह को इल्यूमिनेट करना है, स्ट्रीट में हमें पूरे स्ट्रीट को, मतलब एक बड़े एरिया को इल्यूमिनेट करना है. इसके लिए कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स. ये भी मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, तब मैंने बोला था कि ये रियर व्यू मिरर है और ये प्लेन मिरर नहीं होता, दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर. वहाँ पे लिखा भी होता है द ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर. हर एक मिरर पे लिखा होता है, चाहे वो बाइक हो या कार हो, उसके रियर व्यू मिरर पे लिखा होता है. हाँ सर, इसकी फोटो में भी तो कुछ लिखा हुआ है कार की. यस एग्जैक्टली, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर. ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर इसलिए यूज करते हैं बिकॉज इट गिव्स यू अ वाइडर व्यू ऑफ द होल लेन. तो तुम्हें अगर लेन चेंज करनी है तो तुम आराम से देख सकते हो कि पीछे, तुम्हारे पीछे एडजेसेंट लेन में दूर तक कोई है या नहीं है. अगर कोई फास्ट आ रहा है तो तुम्हें दिखेगा पहले ही. तो रियर व्यू मिरर तुम्हें पता है ना, दो होते हैं, तीन होते हैं, एक लेफ्ट साइड में, लेफ्ट डोर पे, एक राइट डोर पे और एक सेंटर में. सेंटर वाला जो रियर व्यू मिरर है, कार की बात कर रहा हूँ मैं ऑफकोर्स, तो सेंटर वाला जो रियर व्यू मिरर है वो पीछे की तीनों लेन दिखती है हमें. लेफ्ट में एग्जैक्टली सिर्फ लेफ्ट लेन पे फोकस होता है, राइट वाले में सिर्फ राइट लेन पे फोकस होता है. सो व्हेन यू आर टॉट ड्राइविंग वो तुम्हें उसका यूज़ बताते हैं, बिकॉज विदाउट दैट टू ड्राइव इज़ वेरी डेंजरस विदाउट मिरर्स. ठीक है, सो मिरर होना बहुत ज़रूरी है सो दैट यू कैन नो व्हेन यू आर गोइंग लेफ्ट एंड राइट इफ समबडी इज़ कमिंग फ्रॉम बिहाइंड. ओके, एग्जैक्टली, या आई वॉज कमिंग टू दैट. यस, वेन देर इज अ ब्लाइंड टर्न, ब्लाइंड टर्न जब होता है, जनरली ये मॉल्स के पार्किंग में होता है, बिल्डिंग्स के पार्किंग में होता है, कोई कोई स्ट्रीट्स पे होता है जहाँ पे सडनली सम व्हीकल कैन एंटर फ्रॉम वन साइड, तो वहाँ पे ये मिरर लगाते हैं सो दैट the vehicle which is entering can see that if some vehicle is coming from the other side. इसको blind turn बोलते हैं, blind turns पे होते हैं convex mirror. Supermarkets में होते हैं convex mirror, तुमने देखा ही होगा, supermarket के corners में लगे होते हैं जिसमें पूरी lane जो होती है वो visible होती है. So that is for security purpose. Security mirror भी बोलते हैं इसको. ठीक है, So these are the uses. अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, दैट इज मिरर फॉर्मूला. हाँ, मिरर फॉर्मूला पढ़ने के लिए साइन कन्वेंशन होगा, उसके बाद मैं मिरर फॉर्मूला बताऊंगा. एग्जैक्टली, इस कार्टेशियन प्लेन की तरह, इफ यू मीन. ओके, नाउ आई हैव ड्रॉन बोथ द मिरर्स हियर, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव बोथ. ठीक है, मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी है, मैं तुम्हें एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा, इसको प्लीज़ नोट डाउन करना. मैंने ये वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में. ठीक है, अब तुम्हारे जो भी बचे हुए डाउट्स हैं हम लोग ये भी ख़त्म करेंगे एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू यूज़ दिस कॉन्सेप्ट इन मिरर फॉर्मूला. सो द
टॉपिक विच वी आर डूइंग राइट नाउ इट इज नोन एज साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन इज बेसिकली यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेरियस पैरामीटर्स इन्वॉल्व इन द रे डायग्राम्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स. फॉर एग्जाम्पल द पैरामीटर्स विच आर यूज विच विल बी यूज इन द रे डायग्राम्स आर वी 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 क्या होता है? इमेज डिस्टेंस. इमेज कितनी डिस्टेंस पे? यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. उसके बाद होता है एफ फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. उसके बाद होता है एच टू. एच वन पहले लिखना चाहिए. एच वन ऑब्जेक्ट हाइट. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. एच टू हाइट ऑफ इमेज. उसके बाद होता है एम मैग्निफिकेशन. ठीक है, ये सारी चीजें, ये सारे पैरामीटर्स इन्वॉल्व है तुम्हारे कैलकुलेशंस रिलेटेड विद द रे डायग्राम्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स. ये जो पैरामीटर्स है इनकी पर्टिकुलर साइंस डिसाइड की गई है. ये साइंस के साथ जो तुम्हारे कैलकुलेशंस है वो एक्यूरेट हो जाते हैं. मतलब तुम एक्यूरेटली कोई भी मिसिंग चीज़ ढूंढ सकते हो, यही इसका मतलब है और कुछ भी नहीं. तो पहले, सबसे पहले तुम्हें साइन कन्वेंशन समझना पड़ेगा. साइन कन्वेंशन क्या होता है? तो साइन कन्वेंशन बहुत सिंपल है. ऑलवेज रिमेंबर ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल. ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट. ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट. अब पोल सेंटर में है. जैसे तुम्हारा कार्टेशियन प्लेन होता है, जैसे तुम्हारा कार्टेशियन प्लेन होता है, कार्टेशियन प्लेन के सेंटर में होता है तुम्हारा ओरिजिन. आई होप एवरी वन नोज वॉट इज अ कार्टेशियन प्लेन. दिस इज अ कार्टेशियन प्लेन आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है, इसमें होती है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं इसको बोलते हैं ओरिजिन. कार्टेशियन प्लेन में सारे डिस्टेंस हम ओरिजिन से मेजर करते हैं. ओरिजिन से राइट में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ओरिजिन से लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स होते हैं ऑन एक्स एक्सिस. ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ओरिजिन से नीचे नेगेटिव नंबर्स होते हैं. ठीक है, ये सेम कॉन्सेप्ट साइन कन्वेंशन में यूज किया है, लेकिन यहां पे ओरिजिन को हम पोल बोलते हैं. पोल इज आर ओरिजिन. ठीक है, तो पोल से सारे डिस्टेंस मेजर करने हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट. अब ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट क्या है, इसको याद रखना हमेशा. द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट से राइट में रे ऑफ लाइट जाती है, हमेशा याद रखना, लेफ्ट से राइट में. सो ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट. इफ यू आर मेजरिंग एनी डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट देन इट विल बी कंसिडर्ड नेचुरल. नेचुरल मतलब पॉजिटिव. बट इफ यू आर कंसिडरिंग और इफ यू आर मेजरिंग एनी डिस्टेंस अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, that is from right to left, that means that distance will be negative. समझ में आया तुम्हें? सेम इसके जैसा, ओरिजिन से राइट में पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट में नेगेटिव. ठीक है, इसीलिए
ये डायग्राम में मैंने यहाँ पे क्लियरली बताया है कि पोल से राइट साइड में सारे डिस्टेंस पॉजिटिव है, पोल से लेफ्ट साइड में सारे डिस्टेंस नेगेटिव है। डिस्टेंस पोल से ही मेजर करना है। ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर में भी सेम है। पोल से राइट साइड में सारे डिस्टेंस पॉजिटिव, पोल से लेफ्ट साइड में सारे डिस्टेंस नेगेटिव। ठीक है? अब देखो एक चीज बताता हूं और। सपोज मैंने मैंने यहाँ पे ये सारे रे डायग्राम्स बनाए थे तुम्हारे लिए, ठीक है? लेट मी जस्ट शो यू सम रे डायग्राम्स। रे डायग्राम के साथ थोड़ा इसको समझेंगे हम लोग। सपोज ये वाला रे डायग्राम लेते हैं। मैंने क्या बोला था, डिस्टेंसेस सारे कहाँ से मेजर करना है? फ्रॉम द पोल। पोल से राइट में पॉजिटिव, पोल से लेफ्ट में नेगेटिव, राइट? यही बोला ना मैंने अभी, ठीक है? यस सर। पोल से इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पॉजिटिव, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट नेगेटिव, ठीक है? सो पोल से राइट में पॉजिटिव, पोल से लेफ्ट में नेगेटिव। मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट पोल से कितना दूर है? ये मेजर करने के लिए मैं पोल से राइट में जाऊंगा या लेफ्ट में जाऊंगा? सर लेफ्ट लेफ्ट सर में। लेफ्ट यस, दैट मीन्स आई इफ आई वॉन्ट टू मेजर वेयर द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, आई विल मेजर टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, एंड लेफ्ट साइड का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल दैट इज नेगेटिव। और हमेशा चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या वो कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है, पोल के लेफ्ट में या पोल के राइट में? पोल के लेफ्ट में। ऑलवेज द ऑब्जेक्ट इज इन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है पोल के, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से मेजर करेंगे लेफ्ट साइड में हमेशा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग यू टेक अवे फ्रॉम द साइन कन्वेंशन। यस प्लीज। So, what if the distance is below the principal axis? यस, आई विल कम टू दैट। बिलो और अबाउ क्या बात मैं अलग से करूंगा, पहले ये लेफ्ट और राइट को समझ लो, ठीक है? सो आई एम गोइंग टू नोट डाउन दिस सेपरेटली ओवर हियर। मैंने नीचे भी लिखा है, बट ये सेपरेटली मैं लिखूंगा ताकि तुम लोग भी मेरे साथ साथ लिख लो। नंबर वन, फर्स्ट थिंग यू टेक अवे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इज ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज का मतलब समझ लेना, ऑलवेज ऑलवेज, चाहे कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो कोई भी मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। फर्स्ट थिंग, अगर किसी को कोई डाउट है या कोई कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहता है मेरे साथ तो कर सकता है बिंदास, जैसे प्रियांश करता है। आई लव इट। सर ऐसा क्यों होता है? सर नहीं ऐसा क्यों नहीं, लॉजिक क्या है इसके पीछे? आई एब्सोल्युटली लव इट, क्योंकि बच्चे पूछते नहीं यार, डरते हैं। देखो सीखो इसको, बिंदास है भाई, बिंदास बोल देता है ऐसा क्यों होता है, एंड दैट इज द राइट क्वेश्चन टू आस्क। ये पूछना चाहिए यार, सबको पूछना चाहिए, क्योंकि ये पूछोगे तभी तुम्हारा दिमाग खुलेगा। हाय शिखा, व्हाट्स अप, इट्स नाइस टू सी यू यार इन द मॉर्निंग, एंड योर कैम इज ऑन, एक्सेलेंट, एंड यू लुक वेरी फ्रेश टुडे। क्या बात है, आज मेरे को लेट हो गया, मैं नींद से उठा हुआ, 8:05 हो रहा है, शिट। कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ होता है। ओके, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इज ऑलवेज नेगेटिव। लेट्स गो अहेड। अब हम इमेज की बात करते हैं। इमेज डिस्टेंस का क्या? मुझे बताओ ये वाली जो इमेज है, ये पोल से लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट लेफ्ट में। टू लेफ्ट
और ये वाली इमेज राइट राइट में, ये इमेज का नेचर बताओगे तुम? वर्चुअल एंड इरेक्ट एनलार्ज्ड एनलार्ज का कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्चुअल एंड इरेक्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये वाली इमेज का नेचर बताओगे तुम लोग? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और ये वाली इमेज का नेचर बताओगे तुम लोग? ये जो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस मैं दिखा रहा हूँ तुमको, तुम्हें नहीं लगता कि ये मिरर के हमेशा राइट में बनती है कि नहीं? इसमें ये केस में देखा और ये पहले वाले केस में देखा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस आर ऑलवेज ऑन द राइट साइड ऑफ द मिरर। एंड व्हाट अबाउट रियल एंड इन्वर्टेड? देखो रियल एंड इन्वर्टेड देखो कहाँ पे बन रही है, मिरर के लेफ्ट साइड में। तो ये बात एक समझने जैसी, और जहां से मैं दो पॉइंट तुम्हें बताने वाला हूं। एक पॉइंट तो ये है कि इमेज डिस्टेंस, अगर हमें इमेज डिस्टेंस की साइन चाहिए फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस, फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस लाइक दिस वन, द इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव। व्हाई? बिकॉज वी आर मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑन द राइट साइड ऑफ द पोल। एंड फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस लाइक दिस वन, द इमेज डिस्टेंस विल बी नेगेटिव, द इमेज डिस्टेंस विल बी नेगेटिव बिकॉज वी आर मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेफ्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल, फ्रॉम द पोल ऑन द लेफ्ट साइड। इज इट क्लियर एवरी वन? या कुछ नहीं समझा तुमको? सर मुझे एक चीज बताने पूछनी बताओ ना बेटा, पूछो। थी सर, जब देखो हम देख रहे हैं कि जब इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होती है तो हमेशा उल्टी बनती है क्या? यस, रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, इन्वर्टेड मीन्स बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट। समझा? हाँ सर, ओके कूल। चलो नीचे अपना एक पॉइंट, दो पॉइंट नोट कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट, एक मिनट मैं ये लिख लेता हूँ, फिर मुझे पूछो ठीक है? इमेज डिस्टेंस का अपने को मिल गया आइडिया। इमेज डिस्टेंस, इसका सिंबल क्या बताया था मैंने? वी इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस, एंड नंबर थ्री, इमेज डिस्टेंस वी इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस। प्लीज नोट इट डाउन, आई एम टेलिंग यू दिस इज गोइंग टू सेव योर लाइफ एंड योर टाइम। जब तुम मिरर फॉर्मूला अप्लाई करके न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना, ये चीज़ तुम्हें काम आएगी, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम। यस प्रियांश प्लीज आस्क। सर इमेज डिस्टेंस अगर इफ वी टेक पॉइंट साइज इमेज दैट नो नो इश्यूज। द आइडिया इज नॉट अबाउट द साइज ऑफ इमेज, द आइडिया इज अबाउट द लोकेशन ऑफ इमेज। पॉइंट साइज भी इमेज बन कहाँ रही है, क्वेश्चन ये है कहाँ बन रही है। कहाँ बन रही है मतलब यू हैव टू फिगर आउट वेयर इट इज गेटिंग फॉर्म, एंड दैट लोकेशन इज ऑन द राइट साइड ऑफ द पोल और ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू गिव द साइन टू द इमेज डिस्टेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, साइज ऑफ इमेज पे मैं आता हूँ अभी, जल्दी बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, इमेज डिस्टेंस क्लियर हो गया सबके लिए? मैंने तुम्हें क्या क्या पैरामीटर्स दिए थे? यू वी एफ एच एच वन एच टू एंड एम। मैंने यू और वी की साइन बता दी तुमको, कोई भी सीक्रेट नहीं है इसमें। अब आते हैं एफ के ऊपर। एफ क्या होता है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ।
फोकल लेंथ, फोकल लेंथ पे आते हैं। सर तो फिर ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी ना? हाइट मैंने तो बताया नहीं अभी तक, मैं बताऊंगा, रुक जाओ थोड़ा सा, रुक जाओ। हाइट पे भी आते हैं हम लोग, पहले यू वी एफ पे हम लोग बात कर लेते हैं, फिर एच पे आते हैं, ठीक है। एफ पे बात करने से पहले आई जस्ट वॉन्ट यू टू रिमेंबर दीज टू रे डायग्राम्स, कौन सा मिरर है फर्स्ट वाला? सेकंड वाला? इसका फोकस किधर है, पोल से राइट में है या लेफ्ट में है? और इसका फोकस पोल से? फोकल लेंथ क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि, लिख लो प्लीज ये पॉइंट, फोकल लेंथ एफ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ एफ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। फोकल लेंथ एफ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ द पोल, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। नंबर फाइव, फोकल लेंथ एफ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी बिकॉज कॉनकेव मिरर का फोकस पोल से लेफ्ट में होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये दो पॉइंट हो गए फोकल लेंथ के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस वर्चुअल है इसलिए फोकल लेंथ पॉजिटिव है, कॉनकेव मिरर का फोकस रियल है इसलिए उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है। ठीक है, फोकल लेंथ की बात हो गई, अब किस पे आते हैं, ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट। ऑब्जेक्ट हाइट H1, ऑब्जेक्ट हाइट समझने के लिए तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि मिरर से, मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जो भी डिस्टेंस मेजर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जस्ट लाइक कार्टेशियन प्लेन, और नीचे की तरफ जो डिस्टेंस मेजर होते हैं वो हमेशा नेगेटिव होते हैं। और जनरली जनरली हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कंसिडर किया जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की हाइट अगर मुझे मेजर करनी है तो मुझे प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाना पड़ेगा। सो ऑब्जेक्ट हाइट H1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट हाइट H1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होता है। सेवेंथ, इमेज हाइट H2,
यस प्रिंस. सर जो पॉइंट साइज इमेज रहती है वो पॉजिटिव रहती है नेगेटिव? देखो पॉइंट साइज इमेज की जो हाइट होती है उसको हम कंसिडर नहीं करते. इट डज नॉट हैव अ फाइनाइट हाइट. ठीक है, तो पॉइंट साइज वाले केस में तुम्हें जो एच का वैल्यू है वो तुम्हें 0 मिलेगा और मैग्निफिकेशन का वैल्यू भी तुम्हें 0 मिलेगा. मैग्निफिकेशन नहीं हो रहा है उसमें. बट आई एम नॉट येट श्योर, आई कैन नॉट टेल यू एग्जैक्टली टिल आई शो यू द फॉर्मूला. ठीक है, सो पॉइंट साइज इमेज में हाइट हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते बिकॉज इट डज नॉट हैव अ फाइनाइट हाइट. ठीक है, सो हमेशा याद अच्छा रखना कि रे डायग्राम्स में और मिरर फॉर्मूला जहाँ भी यूज होता है वहाँ पे एच वन और एच टू की बात जहाँ पे आती है तो इट विल बी बेटर टू यू नो कम अक्रॉस केसेस वेयर इमेज एंड ऑब्जेक्ट हाइट्स आर फाइनाइट नॉट पॉइंट साइज, अदरवाइज योर फर्दर कैलकुलेशंस विल हैव सम इश्यूज. राइट, यस, एनीबडी एल्स? सर, अगर 0.1 तक की होगी तो? हाँ, तो हो सकती है ना, छोटी हाइट हो सकती है, जैसे इसकी हाइट बहुत कम है. पॉइंट साइज नहीं होनी चाहिए, पॉइंट साइज होगी तो फॉर्मूला में आगे इश्यूज आएंगे, बट वो भी हम डील कर सकते हैं. बट फर्स्ट फर्स्ट फाइनाइट वाली समझ लो, फिर पॉइंट साइज पे जाएंगे. अच्छा, कैन यू टेल मी द नेचर ऑफ दिस इमेज? रियल एंड इन्वर्टेड वेरी गुड, दिस इज फॉर्मिंग, दिस इज फॉर्मिंग बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज फॉर्मिंग बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस. वॉट इज द नेचर ऑफ दिस इमेज? दिस इज फॉर्मिंग, दिस इज गेटिंग फॉर्म्ड अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस, और हमने अभी देखा अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंसेज पॉजिटिव होते हैं और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंसेज नेगेटिव होते हैं. तो इससे एक चीज हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं, इमेज हाइट एच टू इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इमेज हाइट एच टू इज ऑलवेज नेगेटिव. रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस यस, साइन कन्वेंशन से हम सारी ये सारी चीज़ें अगर पहले ही पता लगा ले तो तुम्हारा काम इतना आसान हो जाएगा मिरर फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, बिकॉज़ यू ऑलरेडी नो कि इस केस में ये पर्टिकुलर साइन मुझे अप्लाई करनी है ये क्वांटिटी के लिए. सो योर प्रोसेस विल बिकम सिंपलर. मैग्निफिकेशन लास्ट थिंग, लास्ट, हाँ साइन कन्वेंशन बोल सकते हैं इतना ही है, बट मैग्निफिकेशन इज द लास्ट थिंग विच यू हैव टू रिलेट विद ऑल द साइन कन्वेंशन. तो अब देख लेते हैं, फाइनल पे आ जाते हैं. साइन कन्वेंशन अब सबको क्लियर है क्या? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, इफ इट इज क्लियर देन आई थिंक यू आर गुड टू गो अहेड विथ योर मिरर फॉर्मूला. सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन टू फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला है हमारा मिरर फॉर्मूला. ठीक है, जो हमें सारे प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा. वन बाय यू प्लस वन बाय वी इज इक्वल टू वन बाय एफ. यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी इज इमेज डिस्टेंस, एफ इज द फोकल लेंथ. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन टू यू,
यू विल चूज द साइन फॉर यू वी एंड एफ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन टू यू. फॉर्मूला यही है, इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर है, बट जो तुम्हारे प्रॉब्लम में डिस्कस किया है साइंस या जो भी सिचुएशन दी है उसके हिसाब से यू वी और एफ की साइन सेलेक्ट करो, पुट इट इन द फॉर्मूला एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर. द सेकेंड फॉर्मूला इज फॉर मैग्निफिकेशन. रिमेंबर द फर्स्ट फॉर्मूला वॉज मिरर फॉर्मूला, उसका नाम ही है मिरर फॉर्मूला. द सेकेंड फॉर्मूला इज फॉर मैग्निफिकेशन एंड मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है दैट इज एच टू बाई एच वन और माइनस ऑफ वी बाई यू. एच टू बाई एच वन और माइनस ऑफ वी बाई यू. तो ये मैग्निफिकेशन होता क्या है इसको हमें समझना है. दिस इज द फाइनल थिंग बिकॉज मिरर फॉर्मूला में तो कुछ समझना है नहीं. मिरर फॉर्मूला में कोई भी दो चीज हमें दी होगी, तीसरी चीज हमें ढूंढनी है, साइन ठीक से यूज करनी है और हमें वो तीसरी चीज मिल जाएगी विथ इट्स करेक्ट साइन. दिस इज द आइडिया बिहाइंड मिरर फॉर्मूला. मैग्निफिकेशन क्या है? ये मैग्निफिकेशन हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देता है किसी भी एक सिचुएशन में. इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ इनसाइट अबाउट व्हाट इज हैपनिंग. ठीक है, विदाउट ड्रॉइंग द रे डायग्राम. इफ यू जस्ट हैव द न्यूमेरिकल वैल्यू लुकिंग एट द मैग्निफिकेशन ऑफ दैट सिचुएशन टेल्स यू द नेचर ऑफ इमेज, द साइज ऑफ इमेज. ये सब मैग्निफिकेशन देख के ही समझ में आ जाता है. ठीक है, सॉरी, इसमें सर भी पहले से ही नेगेटिव होता. V के आगे माइनस की साइन रखी है, V की जो भी अपनी ओरिजिनल साइन है पॉजिटिव या नेगेटिव वो तुम्हें रखनी है, वो तुम्हें लेनी है और उसके बाद कैलकुलेट करना है. इसके फॉर्मूला का एक डेरिवेशन है जो तुम क्लास 12th में पढ़ोगे. ठीक है, तो ये डेराइव्ड फॉर्मूला डायरेक्टली तुम्हें दिया है, इसका डेरिवेशन हमें नहीं करना है. वी आर नॉट गोइंग टू डू इट्स डेरिवेशन. यार बहुत बच्चों के कैम ऑफ है अभी. एक मिनट, जस्ट जस्ट मोमेंट वेट. नितिश, अंशुल, कनिष्का, अदिति, कृष्णा, जानवी, मानस, कीप इट ऑन, कीप इट ऑन. या हु वाज आस्किंग सम क्वेश्चन? या प्लीज आस्क. मिरर फॉर्मूला कैन बी यूज टू फाइंड पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजिशन ऑफ इमेज एंड फोकस. कोई भी दो चीज देंगे तीसरी मिसिंग होगी. ठीक है, मैग्निफिकेशन इज टू फाइंड वेदर द इमेज इज मैग्निफाइड और डिमिनिश्ड. दैट इज वन थिंग. इट कैन ऑल्सो टेल यू बिकॉज इट हैज सर्टन साइन एसोसिएटेड विद इट, सो इट कैन ऑल्सो टेल यू अबाउट द नेचर ऑफ द इमेज. नेचर ऑफ द इमेज मतलब वर्चुअल इरेक्ट, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, मैग्निफाइड, सब कुछ बता सकता है मैग्निफिकेशन. ठीक है, सो ये दोनों से हमें इंसाइट लेनी है. बट कैसे करना है आई विल टेल यू, आई विल टेल यू अबाउट इट. सर मैग्निफिकेशन सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू है ना? यस, दोनों में न्यूमेरिकल वैल्यू ही मिलता है तुम्हें. अच्छा, मैग्निफिकेशन डज नॉट हैव एनी यूनिट्स. या यू आर राइट, U, V and F, they have some units associated with them, centimeter or meter, but magnification does not have any unit. It is purely a number. Very good observation. Yes. So, according to magnification, H2 by H1 is equal to minus V by U, right? Yes. So, if we have object distance and image distance, mm-hmm. can we say that it is equal to H1 or H2? It is the ratio of H1. Their ratios are okay, equal. Okay. They are proportional. They are not equal, but they are proportional. Yeah. So if a question says, if a question has given magnification and supposedly H1, can we find image distance? No. You need any one of the following. Like if you need image distance, you need focus and object distance. If they have given you magnification let's say object distance, you can find the image distance. So, दो चीजें देनी चाहिए और एक चीज मिसिंग होनी चाहिए, तब तुम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. या यू कैन डू दैट. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैग्निफिकेशन. और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग नोट करेंगे इसको. यस सर,
So here they have taken the reciprocals, and after substituting the value and getting the value of one of the what we can say constant variable over here. Sir, हम लोग को वापस उसका reciprocal तो निकालना ही पड़ेगा. इससे अच्छा अगर we will directly write it u plus. No, no, no. अगर इसको तुम रेसिप्रोकल करोगे यू नो इफ यू रेसिप्रोकल दिस साइड फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व इट एंड देन डू द रेसिप्रोकल. यू कैन नॉट टेक डायरेक्ट रेसिप्रोकल बिकॉज देर इज अ प्लस साइन इन बिटवीन. सो इसको अगर तुम पहले सॉल्व करोगे यू विल गेट वी प्लस यू अपॉन यू वी इज इक्वल टू वन बाय एफ. सो एफ बिकम्स इक्वल टू यू वी बाय वी प्लस यू. यू अंडरस्टैंड? इट्स द सेम फॉर्मूला बट डोंट रिमेंबर इट लाइक दैट. That's a complicated way of remembering it. This is the right way of remembering it. Sir, the mirror formula is like equivalent resistance in parallel combination. Yes, sir, just like me. Okay, before you go and say anything else, I will stop you. Let's do magnification. Okay? Okay, magnification. Dekho, magnification. Can be positive or negative, right? उसकी उसका जो उसके आगे जो साइन है या तो वो पॉजिटिव हो सकती है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो सकता है, या तो वो नेगेटिव हो सकता है. What do you mean by positive magnification and negative magnification? Positive magnification जब होता है तो इमेज is virtual and erect. Virtual and erect मतलब image will always be above the principal axis. Nitish, Janvi, Prince, Aditya, Atharva, Divya, please on your cam. When the magnification is negative, the image is real एंड इन्वर्टेड. इसका मतलब है कि इमेज जब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी तो मैग्निफिकेशन के आगे माइनस साइन लगेगी. मैग्निफिकेशन के आगे माइनस साइन लगेगी. नंबर कुछ भी हो सकता है, मैं नंबर की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ वो साइन की बात कर रहा हूं. मैग्निफिकेशन के आगे की साइन अगर पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है. मैग्निफिकेशन के आगे की साइन अगर नेगेटिव है तो इमेज रियल और इन्वर्टेड है. द सेकेंड थिंग विच यू कैन टेक अवे फ्रॉम मैग्निफिकेशन इज इट्स नंबर, इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू और इट्स मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो याद रखना कि ये जो मैग्निफिकेशन है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, या तो न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा हूं तो इसकी साइन की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए यहां पे मैं मॉड्यूलस डाल रहा हूं. मॉड्यूलस क्या होता है? अक्षत, प्लीज डोंट ब्रिंग अप दोज थिंग्स हियर. ओके, आई विल टॉक अबाउट इट व्हेन वी जस्ट फोकस हियर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैग्निफिकेशन, यस, द साइन डजंट मैटर अंडर मॉड, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. यस, यू आर राइट. मॉड डाल दिया तो नेगेटिव विद द वैल्यू, विद द मैग्नीट्यूड. मॉड डाल दिया मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज है. द साइन डज नॉट मैटर व्हेन वी यूज मॉड, मॉड और मॉड्यूलस. अगर माइनस फाइव को डालोगे मॉड्यूलस में तो वो फाइव बन जाएगा, अगर फाइव को डालोगे मॉड्यूलस में तो फाइव ही रहेगा. मतलब क्या है कि हम साइन नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड देख रहे हैं. ठीक है, सो ये जो मॉड्यूलस है उसका मैग्नीट्यूड याद रखना हमेशा या तो जीरो और वन के बीच में होगा, जीरो से बड़ा और वन से छोटा, ये एक ऑप्शन है. और दूसरा ऑप्शन है इसका जो मॉड्यूलस है वो होगा smaller than one, I'm sorry, greater than one, greater than one. Actually, इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. When it is
तो फिर इधर 3 लिख देते हैं ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं एक्सप्लेन करूँगा। प्रिंस, थोड़ा सा थोड़ा कंट्रोल करो अपनी नींद पे। लेस देन वन में भी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 लिखना ज़रूरी है, और बीच वाला पार्ट है एम इज इक्वल टू 1। एम इज इक्वल टू 1, ठीक है? तो या तो इसका मैग्नीट्यूड 0 और 1 के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में मतलब पॉइंट में, या तो इसका मैग्नीट्यूड होगा एग्जैक्टली 1, या तो इसका मैग्नीट्यूड होगा 1 से बड़ा। तो मैग्निफिकेशन जब 0 और 1 के बीच में होता है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, उसकी साइन की बात नहीं कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी जब 0 और 1 के बीच में होती है तो इमेज इज डिमिनिश्ड। इमेज को हम लोग डिमिनिश्ड मानते हैं क्योंकि इसका मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू एग्जैक्टली 1 है देन इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है देन इमेज इज मैग्निफाइड। मतलब मैग्निफिकेशन के मॉड्यूलस की वैल्यू से तुम इमेज की साइज गैस कर सकते हो, मैग्निफिकेशन के साइन से तुम इमेज का नेचर गैस कर सकते हो। इमेज वर्चुअल या इरेक्ट है या फिर रियल और इन्वर्टेड है, वो प्लस और माइनस साइन बताती है हमें मैग्निफिकेशन की। और मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो अगर 1, 0 और 1 के बीच में है तो इमेज डिमिनिश्ड होगी, अगर वो एग्जैक्टली 1 है तो इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होगा, और वो अगर ग्रेटर देन 1 है तो इमेज मैग्निफाइड होगी। सो दिस इज व्हाट यू कैन टेक अवे फ्रॉम मैग्निफिकेशन। प्लीज इसको नोट कर लो। यस तो मुझे वो एक चीज पूछनी थी, तो मतलब सर इसका मतलब ये है ना कि m इज इक्वल टू अगर माइनस 2 तो मॉड m इज इक्वल टू 2। ओके, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैं एग्जाम्पल के साथ तुम्हें बताता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मैथ्स ही है यार, फिजिक्स में तो आधा मैथ्स ही भरा हुआ है। क्या बोल रहे हो तुम? किस में पढ़ाते हैं? आई एम नॉट श्योर कौन सा टॉपिक कौन सा है। सर ये मॉड्यूलस मतलब मॉड्यूलस को पहले बेसिक करते हैं, फिर वो बाद में वेक्टर्स में आते हैं ना। सर वेक्टर्स, लाइक लीनियर वेक्टर, कोलीनियर वेक्टर्स। ओके सॉरी, सर थर्ड फोर्थ में था चैप्टर। सॉरी, हाँ सर थर्ड फोर्थ सर थर्ड फोर्थ का चैप्टर था। यस यस आई नो आई नो, बट मॉड्यूलस इज नॉट इम्पोर्टेंट गाइस। प्लीज लुक हियर, आई एम गिविंग यू रियल एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1, मैग्निफिकेशन है -2, ठीक है? तो ये इमेज कैसी होगी? माइनस की साइन देख के तुम क्या बोलोगे? रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर पता चल गया। फिर माइनस की साइन भूल जाओ, सिर्फ नंबर देखो। नंबर क्या है? 2। 2 क्या होता है? 1 से बड़ा, मतलब इमेज इज मैग्निफाइड। समझ में आया? समझ में आई कुछ बात? समझ में आई कि नहीं? बस इतना याद रखना यार, और कोई इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट मत लगाओ। चलो m इज इक्वल टू +0.7, प्लस साइन, प्लस साइन मतलब वेरी गुड, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी ये,
लेकिन नंबर देखो, प्लस साइन भूल जाओ, नंबर क्या है? 0.7। 0.7 मतलब 0 और 1 के बीच में, लेस मतलब डिमिनिश्ड इमेज। थर्ड एग्जांपल, मैग्निशन मैग्निफिकेशन की वैल्यू है -1। बताओ रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड माइनस की साइन की वजह से, और वन मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज सेम है, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज सेम है। अब समझ में आया तुम्हें मैग्निफिकेशन? ठीक है, तो यही याद रखना है, मैग्निफिकेशन तुम्हें सब बता देता है, उसकी साइन तुम्हें इमेज का नेचर, और उसका मैग्नीट्यूड तुम्हें इमेज की साइज बताता है। सो मैग्निफिकेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हेन यू आर अप्लाइंग योर मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला में ऑन द अदर हैंड यू गेट टू नो द लोकेशन ऑफ इमेज, दैट इज इमेज डिस्टेंस, लोकेशन, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो वी आर डन विद साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। अब सीधा न्यूमेरिकल पे जाएं क्या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम? यस सर। तो आज खत्म हो जाए ये टॉपिक। ओके, चलो वन बाय वन विल सेलेक्ट पीपल एंड विल सॉल्व इट। Who is the lucky one, first one? Please lower your hand, guys. Achha, oh, okay, so you want to actually. Okay, good. No, no, I will select randomly. Arpita? Yes, sir. Question number 12. Okay. If an object of. वेट वेट, आई विल रीड एंड देन यू विल टेल मी वॉट इज गिवन एंड वॉट हैज टू बी फाउंड। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर हाइट, क्या लिखूं? इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। माइनस 36 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे साइन कन्वेंशन मैटर करेगी। तुम क्वेश्चन रीड करोगे और जो जो वैल्यूज दिए उसको लिस्ट करोगे, बट साइन के साथ, साइन के साथ मतलब साइन कन्वेंशन अप्लाई करके। फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर हुज फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। यस अर्पिता, वेरी गुड, -12 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव मिरर का फोकस उसके पहले, उसके फ्रंट में होता है, मतलब लेफ्ट में होता है, मतलब माइनस होता है। ठीक है, ये याद रखना है, याद रखना है, तो ये याद तभी होगा जब तुम इसको रिवाइज करोगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे एक साथ। मेरे जैसा अभी याद नहीं हो जाएगा तुमको, बट इवेंचुअली होना चाहिए। ठीक है, ओके, फोकल लेंथ -12 है। फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। वट डू वी हैव टू फाइंड अर्पिता? पोजिशन इमेज, दैट इज वी। ठीक है, इसकी साइन हमें नहीं पता है, डालो भी मत अभी, वो ऑटोमेटिकली मिलेगी। ठीक है, पोजिशन, नेचर, नेचर कैसे मिलेगा? मैग्निफिकेशन से, राइट? हाइट विल बी h2, वो भी मैग्निफिकेशन। सो दीज थ्री थिंग्स हैव टू बी फाउंड। ठीक है, अब बताओ अर्पिता, क्या फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला पहले यूज करना? सो 1 by -12 इज इक्वल टू 1 by v प्लस 1 by -36। ओके, क्या करूं अब? सो यू कैन
place, I mean, you can transport the one by minus 36 to the other side. Yeah, is equals to 1 by v. Okay, next. And you can just simplify it. Minus 2 upon. So 18 centimeter. Minus 18. सही है? Just a moment. Hello. Hello. Yes. Hi, Neeraj sir, से बात हो रही है. किससे? नहीं, wrong number. Okay. Sir, actually, हाँ जी. मेरा अभी ना क्लास चल रहा है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ. या v इज इक्वल टू माइनस 18. कहाँ पे होगी ये इमेज? इट विल बी इन द फ्रंट ऑफ द मिरर. द इमेज विल बी इन द फ्रंट ऑफ अ मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर. कुछ करना नहीं है इसका, ठीक है? v ढूंढ लिया ना हमने, अब मैग्निफिकेशन ढूंढना है. कैन यू टेल मी कैसे मैग्निफिकेशन ढूंढूं, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं? सर, m इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u. वेरी गुड, माइनस ऑफ v बाय u, बिकॉज़ h1 h2 है नहीं हमारे पास. h1 है, h2 नहीं है, तो वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते. ओके, माइनस ऑफ v कैसे लिखूं इसको? सर, 18 अपॉन माइनस 36. माइनस ऑफ माइनस 18 अपॉन u इज माइनस 36. माइनस 36. साइन नहीं भूलनी है, ठीक है? साइन में भूलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी. सो m इज इक्वल टू 18 बाय माइनस 36, दैट इज माइनस हाफ, माइनस 1 बाय 2. दिस इज योर मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन से, या सर, हम v से नेचर ने डिसाइड कर सकते? नहीं, मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल. इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर रियल एंड इनवर्टेड इमेजेस. नो, डोंट डू दैट. यू नो दैट फैक्ट इज दिस इज अ कॉनकेव मिरर, राइट? दैट्स व्हाई यू आर सेइंग दैट. यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बट नेवर मेक दैट मिस्टेक, बिकॉज गलती से अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है? मत करो, सीधा मैग्निफिकेशन ढूंढ के फिर नेचर बता दो. चलो अर्पिता, नेचर पे आते हैं. So, नेगेटिव साइन क्या बोलता है? मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव, तो मतलब क्या है? नेगेटिव साइन मतलब रियल और इनवर्टेड. यस सर. बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इमेज विल बी रियल एंड इनवर्टेड. और मैग्नीट्यूड देखो इसका, हाफ हाफ है सिर्फ नंबर, मतलब वन से छोटा, तो इमेज विल बी डिमिनिश. सही है ना? मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव है, जिससे मैंने पता लगाया कि इमेज रियल और इन्वर्टेड है. लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो नंबर है, विदाउट द साइन हाफ है, वन से छोटा है, इसलिए इमेज डिमिनिश्ड होगी. तो रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, ये पूरा नेचर और साइज दोनों बता दिया. Last thing we have to find is H2. Come on, Arpita, please help me with the formula. Sir, magnification is equals to H1 upon H2, which is equal to minus 1 upon 2. Ek minute. Magnification is equal to H2 by H1, minus 1 by 2 is sir, equal isn't to... H1 by H2? It's H2 by H1. Oh, okay, sir. You want me to check? Because... Nahin, wo dusre mein likha hai maine. सही है, H2 by H1 ही है, तुमने भी लिखा ही होगा. ओके, H2, H2, H2 ढूंढना है. H1 क्या है? 10. सर, H1. सो H2 by 10. ठीक है? सो दिस विल बी माइनस 10 by 2. सो H2 विल बी माइनस 5. देखो, हाइट से समझ में आता है, माइनस 5 सेंटीमीटर. तो हाइट से समझ में आता है कि इमेज नेगेटिव हाइट है उसकी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, और उसकी साइज छोटी है, मतलब रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है. ये सब प्रूव हो जाता है.
सबको समझ में आया क्या ये? Did everyone understand? Yes, please. Sir, why we have to find H2? Find the position, nature, and height of the image. Okay. Next, who will help me? सर क्वेश्चन में कभी ऐसे पूछते हैं कि कहाँ पे पोजीशन लेने का फिटिंग किए हैं कि यहाँ पे ऑन या एंड यू कैन एक्चुअली फाइंड दैट आउट बिकॉज यहाँ पे फोकल लेंथ 12 है ना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी 24, तो 24 और 12 के बीच में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो जाएगा वो. सेंटर ऑफ कर्वेचर तुम्हारा 24 पे है, फोकल लेंथ फोकस 12 पे है, और यहाँ पे इमेज बन रही है वी. वी कहाँ पे बन रही है? 18 पे. मतलब इट इज़ बिटवीन. नहीं 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 इट इज़ बिटवीन एफ एंड सी. 12 और 24 के बीच में बिटवीन एफ एंड सी. ठीक है. सो ऐसा तो पूछा नहीं है. पोजिशन मतलब यहाँ पे वी की वैल्यू ढूंढनी है तुम्हें, बस उससे ज़्यादा कुछ मत करो. चलो केशर, are you there? चलो हेल्प मी विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन. जस्ट अ मोमेंट, लेट मी जस्ट क्लियर दिस आउट. यस सर, बट अ स्कूल टीचर वाज टेलिंग दैट यू हैव टू आल्सो फाइंड द पोजीशन एज एज अ चाइल्ड सेड सो बिटवीन सी and therefore add focus, that also you have to. In the numerical? Yes, sir. I will show you many solved numericals and you can also see, it's not mandatory. I will show you solved examples of boards. I will show you examples in your reference books. They don't ask you to find the position that way. They just want you to write the image distance, object distance, that's it. ये सारी चीज़ें हमें ढूंढनी होती हैं. बट इफ़ योर स्कूल टीचर इज इंसिस्टिंग कि प्लीज़ वैसा ढूंढना है, तो तुम्हें फिर एक स्टेप और आगे करना पड़ेगा. जैसे मैंने अभी बताया कि 18 सेंटीमीटर पे तुम्हारी इमेज है, मतलब बिटवीन सी एंड एफ, क्योंकि तुम्हारा फोकस 12 सेंटीमीटर पे है और सेंटर ऑफ कर्वेचर 24 पे और इमेज 18 पे है, तो बिटवीन सी एंड एफ हो गया. ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस. तो ये तुम्हें करना पड़ेगा अगर तुम्हारी स्कूल टीचर इंसिस्ट करती है तो. बट अब एज पर मी, एज पर बोर्ड्स, जितना मुझे पता है, दे आर नॉट आस्किंग इन दिस डिटेल, दिस पर्टिकुलर डिटेल टू यू. यस केशव, लेट्स रीड द क्वेश्चन. एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. या मैं एक एक चीज पढ़ के पॉज करूंगा केशर. सो आई वॉन्ट टू आस्क यू, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. क्या लिखूं? प्लस और माइनस? कौन सा मिरर है ये देखो पहले. कॉन्केव मिरर. यस यस, नेगेटिव. सो फोकल लेंथ इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर. शुड एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बी प्लेस्ड. ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट एच वन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. करेक्ट. इन ऑर्डर टू गेट एन इरेक्ट इमेज 6 सेंटीमीटर टॉल, एक चीज हमने मिस किया. एट वॉट डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड. हाँ, मतलब यू पूछा है वो लोग ने. ठीक है, ऑब्जेक्ट हाइट इज एच टू राइट? नहीं, ऑब्जेक्ट हाइट इज एच वन, इमेज हाइट इज एच टू. हाँ, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बी प्लेस इन ऑर्डर टू गेट एन इरेक्ट इमेज 6 सेंटीमीटर टॉल. व्हाट शुड आई राइट? इरेक्ट इमेज इज 6 सेंटीमीटर. सो व्हाट इज 6 सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर. या व्हाट इज इट? ऑब्जेक्ट
वेरी गुड, एच टू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, दोनों प्लस रहेगा, ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट दोनों पॉजिटिव रहेगा बिकॉज इमेज इज इरेक्ट, इरेक्ट मतलब अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस, तो पॉजिटिव ही होना है, ठीक है। चलो अब मुझे हेल्प करो, कौन सा फॉर्मूला सिलेक्ट करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? नो, बिकॉज मिरर फार्मूला में तुम्हारे पास 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f है, यहाँ पे f दिया है, u मिसिंग है और v भी मिसिंग है, दो चीजें मिसिंग है, ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते। वेरी गुड, वेरी गुड, मैग्निफिकेशन एच टू बाई एच वन, सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच टू इज टू, एच वन इज सॉरी एच टू इज सिक्स, एच वन इज टू, सो इट इज 6/2 विच इज 3, मैग्निफिकेशन 3 आ गया। हमें ढूंढना है यू, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ओके, सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी बाई यू। ओके, अब यहाँ पे एम की वैल्यू है मेरे पास 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी बाई यू, अब क्या करूँ, मुझे दोनों नहीं पता वी और यू। इट्स इजी, इट्स इजी, आराम से हो जाएगा, डोंट वरी। Yeah, okay, so sir, may I say? Wait, wait. I some people are struggling here. Manas? Yes, sir. क्या करें? क्या करें मानस? V और U दोनों नहीं पता है, वापस उधर ही आ गए, मिरर फॉर्मूला मैग्निफिकेशन, क्या करें? प्रिंस मात्रे, क्या बात है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मानस आइडिया है? नो सर। आदित्य पवार, वेट बॉय वेट, आई एम कमिंग टू यू। आदित्य पवार, are you there? Yes sir. Please on your cam. बताओ क्या करें? Sir, no idea. Come on guys, क्या कर रहे हो तुम लोग? नितिश, क्या करें? सिद्धि, एनी आइडिया? यस सर, नो सर। निहारिका, नो सर, आई एम आल्सो। चलो प्रियांश को चांस देते हैं। प्रियांश, सर, वी विल टेक, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ v इन टर्म्स ऑफ u। वेरी गुड, माइनस 3u इज इक्वल टू v। या सो 3u इज इक्वल टू माइनस v आएगा u को वो साइड शिफ्ट करने से, या फिर मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू माइनस 3u। तो मुझे v की वैल्यू मिल गई है इन टर्म्स ऑफ u, देख रहे हो, ये मैं यूज करूंगा मेरे मिरर फॉर्मूला में, मिरर फॉर्मूला में इसको मैं यूज करने वाला हूं, ठीक है। सो लेट्स यूज इट इन मिरर फॉर्मूला। 1/v, 1/v की जगह मैं लिखूंगा, यस सो वी विल गेट द आंसर एज u इज इक्वल टू 3/2 है। वेयर आंसर, व्हिच आंसर यू आर टॉकिंग अबाउट? आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v, वेट वेट, आई विल शो यू, आई एम डूइंग दैट, वेट, I just substituted in place of v minus 3 by u. In place of u, I don't know u also, तो मैं u ही रखूंगा और f की जगह पे मैं लिखूंगा 1/-10.
अब मैं इधर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करूंगा, द एलसीएम विल बी माइनस थ्री यू, इधर आएगा वन, इधर आएगा माइनस थ्री मल्टीप्लाई होगा, सो दिस विल बी वन माइनस थ्री बाय माइनस थ्री यू, सही है ना, वन माइनस थ्री बाय माइनस थ्री यू इज इक्वल टू माइनस वन बाय टेन, सो दिस विल बी माइनस टू बाय माइनस थ्री यू इज इक्वल टू माइनस वन बाय टेन, माइनस माइनस यहाँ पे कट हो जाएगा, सही है या कुछ गलती की है मैंने, पहले ये माइनस साइन को ऊपर डालना चाहिए था ना, सो ये हो जाएगा माइनस वन, हाँ सही है, सही आंसर आएगा। अच्छा अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, नाउ आई एम गोइंग टू डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो 20 इज इक्वल टू माइनस थ्री यू एंड यू इज इक्वल टू 20 बाय माइनस थ्री विच इज माइनस माइनस 6.6 माइनस 6.67 सेंटीमीटर, तो ये आ गया मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस 6.67, यस सर, ओवर हियर यू हैव रिटन माइनस 3 यू, सो सर इट वुड बी माइनस यू माइनस 1 आल्सो ना, नहीं, व्हाट इज द एलसीएम, व्हाट इज द एलसीएम सर, माइनस 3 यू देन 1 ओनली, फिर तो 1 ही है, इसकी बात कर रहा हूं, एलसीएम की बात कर रहा है ना, हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ, न्यूमरेटर विल बी, न्यूमरेटर विल बी वन ओनली, न्यूमरेटर विल बी वन ओनली, सुन मैं इसको दूसरी तरीके से करके दिखाता हूँ, सेम आंसर आएगा देख ले, ये देख इसको मैं लिखता हूँ माइनस वन बाय थ्री यू प्लस वन बाय यू इज इक्वल टू माइनस वन बाय टेन, ये ठीक है ना, सारी साइन नेगेटिव साइन न्यूमरेटर में ले ली, अब डिनोमिनेटर का एलसीएम है थ्री यू, यहाँ पे आएगा वन, यहाँ पे आएगा थ्री, तो माइनस वन प्लस थ्री यू द होल अपॉन थ्री यू इज इक्वल टू माइनस वन बाय टेन, आई एम सॉरी थ्री यू नहीं है, अच्छा तो ये हो जाएगा टू बाय थ्री यू इज इक्वल टू माइनस वन बाय टेन, तो ये हो जाएगा ट्वेंटी इज इक्वल टू माइनस थ्री यू, सो यू इज इक्वल टू ट्वेंटी बाय माइनस थ्री विच इज माइनस 6.67 सेंटीमीटर, सेम आंसर, ठीक है, Yes, please. So, can we find the value of V in mirror formula and then place it in the magnification to find VU? Okay. How do you like? So we can like we can place the value of focal length. So you mean to say you want to solve this one by like minus ten? Extract the value of u in terms of it. It's the same thing. Yeah, like extract the value of u from the mirror formula and then place you can it in do the that. Magnification. You can do that. It's the same thing. Okay, sir. Thank you, sir. You can do that. Okay. Sir? Yes. Sir, we don't have to convert the final answer into meters. No. If your question has all centimeters, keep the final answer in centimeter. If the question has all the values in meters, keep the final answer in meter. ठीक है? हाँ सर. Okay. Yes, Prince. Sorry. Wait, not 14, but the next one. एक कॉन्वेक्स वाला करते हैं. Yeah. Yes, Prince. Help me with the next one. Five. Okay. दिख रहा है? देखो अभी मेरे को हेल्प करो, मैं जो पूछ रहा हूं उसका आंसर दो, ठीक है? An arrow 2.5 सेंटीमीटर high is placed at a distance of 25 सेंटीमीटर from a diverging mirror. अब हमें पता है कि डाइवर्जिंग मिरर कौन सा मिरर होता है,
What is diverging mirror? Convex. Diverging मतलब convex, ठीक है? Prince. Prince. Yeah. Diverging mirror is a convex mirror. Arrow 2.5 centimeter high. What is this arrow? This is object height. Arrow is object height. ठीक है? Arrow है object की height. ठीक है? तो इसको मैं लिखूंगा H1 is equal to plus 2.5 centimeter. Sign के साथ लिखता हूं ताकि आगे कोई तकलीफ ना हो. Is placed at a distance of 25 centimeter. What is this 25 centimeter? What is this 25 centimeter? Arrow is placed at a distance of 25 centimeter from convex mirror. Wait. Just a moment. Yeah. What is 25 centimeter? Plus or minus? Plus. Object distance is always negative. Object is placed in the front of the mirror, which is on the left side of the pole. So object distance is minus 25 centimeter. ओके ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. अब मेरा जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है. सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी एफ इक्वल टू प्लस 20 और माइनस 20? वाई Okay, let me go to Atharva. Atharva, you there? Atharva, तेरा आवाज नहीं आ रहा है. Mute है तू. Yes, sir. Yeah, focal length will be plus 20 or minus 20. This is a convex mirror. कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस मिरर के राइट में होता है. ठीक है? सो दिस विल बी प्लस 20 सेंटीमीटर. ओके अथर्व, टेल मी फाइंड द नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड. नेचर कैसे पता चलेगा? नेचर पता चलेगा मैग्निफिकेशन से. पोजीशन कैसे पता चलेगी? व्हाट इज पोजीशन? पोजीशन कैसे पता चलेगी? ओके सीम्स टू बी बिजी. अदिति, पोजीशन, पोजीशन ऑफ द इमेज मोस्टली. हाँ दे माइट बी विद द मोबाइल. यस अदिति, यू वॉन्ट टू आंसर? सर बाय व्हाट डू यू मीन बाय पोजिशन? अक्षत, पोजिशन ऑफ इमेज. नहीं नहीं, पोजिशन ऑफ इमेज का मतलब पूछ रहा हूं मैं. अक्षत, आर यू देयर? अक्षत, यस, कैन यू टेल मी पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब बताओ. पोजीशन
यस एंड साइज ऑफ द इमेज कैसे ढूंढते हैं, क्या होता है साइज ऑफ द इमेज? H2 साइज ऑफ द इमेज इज H2. ठीक है, नाउ अक्षत प्लीज हेल्प मी फाइंड ऑल दीज थिंग्स यूजिंग मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन फार्मूला. टेल मी विच फार्मूला शुड आई यूज फर्स्ट? Sir, at first if we want to find m, so we should have v, so we will use mirror formula at first. Tell me the formula. 1 by u plus 1 by v is equal to 1 by x. Okay, let's put the values. 1 by minus 25 plus 1 by v is equal to 1 by 20. Tell me. Yes, sir. Then we will shift it towards that right side. 1 by u, 1 by minus 25. So 1 by v is equal to 1 by 20 plus 1 by 25. Sahi hai na? Yes, sir. LCM kya hai? Sir? Yes. Yes. So why have you taken a positive focal length? This is a convex mirror. कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस होता है वो यहाँ पे होता है, इमेजिनरी फोकस. ठीक है, याद रखो ये. हाँ भाई, 20 और 25 का एलसीएम बता अक्षत. क्या बोल रहा है यार, 100 है एलसीएम, 25s एंड 25 4s लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना है, लोएस्ट. ओके, तो यहां पे आएगा 5 प्लस 4 बाय 100, सो 1 बाय वी इज इक्वल टू 9 बाय 100, सो वी इज इक्वल टू 100 बाय 9. टेल मी व्हाट इज वी इन डेसिमल्स? 11.1 सेंटीमीटर. पॉजिटिव आया. ठीक है, मतलब इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव, दैट इज इमेज इज इन द राइट साइड ऑफ द मिरर, दैट इज बिहाइंड द मिरर. ऑफ कोर्स कॉन्वेक्स है तो मिरर के पीछे ही होती है इमेज, रियल और इन्वर्टेड, सॉरी वर्चुअल और इरेक्ट. ओके, नाउ टेल मी हाउ टू फाइंड मैग्निफिकेशन. यस, वेरी गुड, माइनस ऑफ वी बाई यू. यस कनिष्का, अच्छा कनिष्का तो एंटर हो गई है. माइनस वी बाय यू, माइनस ऑफ, इसको मैं 11.1 भी लिख सकता हूँ और 100 बाय 9 भी लिख सकता हूँ. यस, दिस इज वी माइनस ऑफ वी बाय यू, यू इज माइनस 25. ठीक है, तो माइनस माइनस कट जाएगा एंड यू विल गेट एम इज इक्वल टू 100 बाय 9 इंटू 25. 25 4s are, so magnification is equal to 4 by 9. What can you say about the nature of the image, Charul? What is the nature of the image? No, how come 4 by 9 is greater than 1? पहले तो sign positive है इसकी. Yes, Niharika. The image will be, because if the sign is positive, it will be virtual, it will be erect and it will be diminished, because 4 by 9 the number is smaller than, it's a proper fraction, so it's smaller than 1, diminished, virtual, erect and diminished image hai. Ye hai nature of image. Theek hai? Last thing we have to find is H2. Tell me Niharika, how we find H2 from here? M is equal to H2 by H1, so M is 4 by 9, we have to find image height, object height is plus 2.5, so H2 upon plus 2.5, so H2 is equal to 4 into 2.5 upon 9,
So H2 is equal to 10 by 9. Can you please tell me? 1.1 centimeter. So we can say that H1 जो हमने पहले ढूंढा था या हमको दिया गया था H1 yes H1 तो दिया हुआ है plus 2.5 है और H2 छोटा है plus 1.1. ये सारी characteristic या जो भी है convex mirror से related it is matching with the answers we are getting if you are following that. हम लोग convex mirror की बात करते हैं. Convex mirror में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हो द इमेज विल ऑलवेज बी वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. ठीक है, तो इमेज का जो पोजिशन है वो भी तुम्हें यहाँ पे देखो, इट इज बिटवीन पोल एंड फोकस. वी इज 11.1. फोकल लेंथ इज प्लस 20 और 0 के बीच में आएगी तुम्हारी इमेज. इमेज डिस्टेंस 11.1 है, वेरीफाई हो रहा है, प्लस 11.1 है, मतलब वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज है. डिमिनिश्ड क्योंकि मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है. सो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेजेस विच वी हैव स्टडीड साइन कन्वेंशन में और रे डायग्राम्स में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे वेरीफाई होती है इफ़ यू फॉलो द साइन कन्वेंशन इन द न्यूमेरिकल्स. ठीक है, बट वन थिंग इज श्योर, सी नाउ आई कैनॉट डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस फॉर यू. यू ऑल्सो हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस. तो अब बारी तुम्हारी है, जब मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा तुम्हें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ठीक है, मैं आज ही होमवर्क दूंगा तुम्हें. यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है, यू हैव टू कंप्लीट दिस फुल चैप्टर, जितने भी एक्सरसाइजेस है वो, देन ओनली यू विल गेट द कॉन्फिडेंस के यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर फॉर्मूला एंड यस कौशल. सर आपने वो एक्सरसाइज 4A की फाइल दी थी पर वो सर एक्चुअली मुझसे घूम गई, तो सर आप वापस सेंड कर सकते हैं? मैं सब कुछ फिर से भेजता हूँ. ठीक है, आई विल सेंड एवरीथिंग टुगेदर अगेन. सो आज जो भी, यस, तो आज जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए हैं प्लीज प्रैक्टिस दैट, अदरवाइज यू नो थिंग्स विल बी डिफिकल्ट लेटर ऑन. Class on Sunday? No, please excuse me. Thank you, sir. Okay, I'm stopping the recording.